नमस्कार, एनबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, पूरे विश्व में ईद उल फितर मनाई जा रही है। पूरे जो है मुस्लिम बांधव मुसलमान भाई जो है आज ईद उल फितर मना रहे हैं, जो कि तोहफा होता है अल्लाह की ओर से एक रोजेदार को। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीसीएन बीटीपी ग्रुप के संस्थापक शिराज शेख। सर, आपको माह रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही साथ जो है ईद उल फितर की मुबारकबाद। आपको, आप काफी नॉलेजेबल हैं, साथ ही साथ जो है आपका समाज में काफी बड़ा नाम है, साथ ही साथ आप डीप में भी स्टडी करते हैं। पूरा विश्व आज जो है ईद उल फितर मना रहा है, लेकिन बात की जाए गाजा स्ट्रिप की तो गाजा पट्टी में काफी नृशंस विवाद चल रहा है। इसी बीच वो ईद किस प्रकार से मनाते हैं, क्या परिस्थिति बताना चाहेंगे आप, सत्य परिस्थिति किस प्रकार से कथन करना चाहेंगे? देखो, मैं तो गाजा गया ही नहीं हूँ, लेकिन गाजा भी एक अल्लाह के बंदे लोग हैं। वहां पे गाजा ने में जो टाइप का जो भी हमला हुआ है, वो हमला अभी तो खत्म हो गई, यानी लड़ाई खत्म होने के कदार पे। अभी जाके उनको अगर तकलीफ है तो उनको जाके बंदी बना लेना चाहिए या उस पर कब्जा कर लेना चाहिए। मासूम बच्चों को और मासूम लोगों को नहीं मारना चाहिए, ये कहीं सैयद राज के भी रूल में नहीं आता है। यानी कहीं भी जो सेंटर का जो लॉ बना है उन लोगों का, ऐसा आम पब्लिक को मारना ये ठीक नहीं है। उनको जो करना वो जाके कर सकते हैं। अब वो तो फिर अल्लाह बड़ा है, उनको देखो रोजी रोटी देने वाला भी, खिलाने वाला भी वही है और भूखा मारने वाला भी वही है। तो अभी जो उनकी मर्जी है, बच्चे लोग बेचारे कर रहे हैं, जो आजू बाजू के देश से मदद मिल रही है। और हमारे इस्लाम में भी ये लड़ाई का जिक्र दिया हुआ है कि ऐसी लड़ाई इस टाइप की होंगी करके। और जो बाकी बाकी जो मुस्लिम देश है वो लोग चाहे तो साथ दे सकते हैं, लेकिन वो साथ देने से क्या होगा, वर्ल्ड वॉर छिल जाएगा पूरा। छिड़ने से क्या होगा कि पूरा का पूरा वातावरण बिगड़ जाएगा। कहीं तो भी वो कमिटमेंट कर रहे हैं कि हाँ हाँ आज बंद कर रहे हैं, कल बंद कर रहे हैं, तो उसके वजह से शायद वो टाइम पीरियड निकल गया। तो इसलिए गाजा के जो लोगों को तकलीफ इतने दिन झेलना पड़ा और बेचारे आज बहुत मुसीबत में है। आज जो गाजा के बाद छोड़ा, तुम और हम भी अगर वहाँ पे रहते तो आज हमारे को वहाँ की हमारी आत्मा या हमारी इंसानियत बोलती कि हम क्या है। इंसानियत के हिसाब से वो लड़ाई गलत है, ये मेरा कहने का मतलब है। सर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश जो है कुरान में, नाखून से लेकर बाल तक और धरती से लेकर आसमान तक सभी चीजें बताई गई हैं, लेकिन गाजा की बात की जाए, काफी नृशंस विवाद वहां हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे सर, इस स्थिति को किस प्रकार से नियंत्रित करना चाहिए? वहां पे मस्जिद अक्षा का जिक्र तो हमारे इसमें है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप बात कर रहे हो उसका जिक्र है। वहाँ पे और भी यानी यहूदियों का कब्जा होगा, ये होगा, उसका जिक्र है उसके अंदर में, नहीं है। और रही जो इसकी बात अपना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो तो जमीन से लेके आसमान, जो कुरान शरीफ जो लिखा गया आप उसको बोले जमीन से लेके आसमान तक, नखून से लेके बाल तक, हर इंसान के बॉडी में कैसा रहना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कैसा रिलेशन मेंटेन करना चाहिए, वो सब चीज़ों का जिक्र दिया गया है। और इसकी जो रही गाजा की जो बात है, ये गाजा की जो लड़ाई है वो तरीका गलत है, ठीक है। हर देश की लड़ाई होती है, सिस्टम होता, और मासूम बच्चों को और आम पब्लिक को नहीं मारा जाता है वहां पे, वो थोड़ा सा गलत हो रहा है। सर, पूरे विश्व में जो है आज ईद मनाई जा रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार से जो है ईद मनाना चाहिए आपके हिसाब से? रमजान ईद एक शांति का पैगाम है। हमारे धर्म में लिखा ही है कि शांति से ही करना है कोई चीज भी। शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है किसी चीज के लिए। हो सकता है कुछ लोग होते ना, हर 10 के पीछे में 2 खराब लोग मिलते ही है, तो कोई लोग उधम करके इंस्टाग्राम पे उल्टी सीधी डाल देते हैं। यहाँ इस्लाम धर्म में हर चीज का जिक्र किया गया। अगर आप एक हाथ से अगर किसी को डोनेट कर रहे हो तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले, जिसको हम लोग जकात का रूप बोलते हो, या किसी की मदद कर रहे हो। अब कुछ लोगों ने तो आजकल धंधा बना लिया, मदद भी करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी डालते हैं, उसको सोशल मीडिया पे भी लाते हैं, तरीका गलत। अभी एक कोई मौलवी है टोपी पहन के लोगों को 500 के मंडल बांट के देख रहा, 2000 रुपए दे रहा। आप पता नहीं सही वीडियो है या गलत वीडियो, पर मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि अगर आपको देना है भी, किसी की हेल्प करना है, तो उसको जाहिर मत करो ना, उसकी पूरी मदद करो ना। अभी हमने भी कही हो कि मदद की, तो हम लोग कैसा है कि अगर किसी को, मेरे पास भी कोई आता ना, तो उसको पूरे बोले पे तेरी हरदम की प्रॉब्लम बता, ऐसी प्रॉब्लम बता कि कल तू किसी को देने वाला बने, मांगने वाला ना बने, वो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करे तो मजा है। अब तुम 500 के बंडल ला रहे, इंडियन, अगर वो इंडिया का बंदा है, वो 500 के बंडल ला रहा, तो मुझे पहले वो इतना नोट लाया कहाँ से उसने? पहले तो डिपार्टमेंट को उसको उसी चीज का जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लीगल भी हो तो लीगल में इतने कैशियर है, तू बैंक के चेक दे सकता। तो ये जो आप बोल रहे हो सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहे है, कुछ कुछ लोगों की आदत है, तो तरीका गलत है। उसकी नीयत अगर अच्छी है देने के तरीके, तो थोड़ा देने का सिस्टम उसने बदलना चाहिए।
एंड कैसा आज मैं कोई फोटो खींच रहा किसी मजलूम औरत को मैं पैसा दे रहा हूँ या किसी गरीब की मदद कर रहा हूँ तो उसको गिल्टी महसूस होती है उसको। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको हुक्म दिया है कि आप किसी को ये हाथ से दो तो हाथ को पता मत करो, आप किसी की मदद भी कर रहे और एहसान भी जता रहे, ये इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं देता। बात गाजा स्ट्रिप की तो करे ही, साथ ही साथ जो है देश में भी काफी आंतरिक कलह देखने को मिल रहा है। देश भारत देश की भी बात करें तो क्या बताना चाहेंगे सर, किस प्रकार से अमन चैन का संदेश आप इस ईद उल फितर के मौके पर देना चाहेंगे? अभी तो इस बारे में मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन ईद उल फितर के मौके पर यह देना पड़ेगा, शांति अमन भाईचारा बना के रहो। मेरे साथ में मुस्लिम नॉन मुस्लिम, मैं तो सभी धर्म से जुड़ा हुआ हूँ और मैं जिस एरिया में रहता हूँ यहाँ तो मैं बचपन से लेके आता हूँ, यहाँ तो नॉन मुस्लिम ही ज्यादा है और मुझे कभी आज तक ऐसा कुछ लगा नहीं है कि जाति धर्म होता है करके, लेकिन हम तो भाई भाई के जैसे रहते हैं। मेरे जितने भी दोस्त है 80% 90% नॉन मुस्लिम ही है, कभी ऐसा जिस चीज का हो नहीं, लेकिन कुछ जगह पे है कुछ उपद्रव लोग बोलते ना, चाहे वो हमारे समाज के हो या दूसरे समाज के हो, कुछ उपद्रव चक्कर में एक फोटो के वजह से 1,00,000 लोग उसमें को पता चल जाता और 1,00,000 लोग डिस्टर्ब होते। तो और कभी आजकल राजनेता बोलो या ये क्या बोलते जो भी पार्टी के लोगों में वो भी आजकल पीने को मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे, कहीं तो भी जयपुर में या कहीं तो भी ऐसे बोलते ना उनकी टीम बैठी थी वो सोशल मीडिया पे हल्ती भलती चीज डालते रहते जिससे बोलते ना माहौल बिगड़े और उनकी होटिंग ज्यादा बढ़े, तो उनके वजह से भी समाज में बदनामी हो रही है। कि समाज का नाम ही इंसानियत है, सबको इंसानियत से ही जिंदगी जीना है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोलो या फिर आपके किसी धर्म के गुरु ने आपको बताया उसमें ये दिखाया कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, उसको तरीका जीने का बताए। अब इंसानियत को मार के या तुम जिएंगे, जैसा गाजा के जो हरकत थ्योरी वो तो इंसानियत वहां मरी गई ना, तो इंसानियत को मार के लोग जिंदगी जिएंगे ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए चाहे किसी भी धर्म के लोग हो। तो दर्शकों जिस प्रकार से आपने देखा सिराज सर ने बताया कि इंसानियत को मारकर किसी भी धर्म को पनपने देना यह धर्म की परिभाषा नहीं है, साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम द्वारा जिस प्रकार से अमन और चैन का संदेश सभी को दिया गया है उसी के तहत जो है पूरे विश्व में आज ईद उल फितर मनाया जा रहा है जहाँ की जकात का भी काफी बड़ा महत्व है, साथ ही गाजा पट्टी पर हो रहे विवाद पर भी जो है सिराज सर ने काफी अच्छा सजेशन दिया है, साथ ही साथ काफी अच्छा परामर्श उन्होंने दिया है, तो यकीनन जो है इसका जो है भविष्य में काफी फायदा जो है सभी को होगा, साथ ही साथ सोशल मीडिया का भी काफी जो है गैर व्यवहार हो रहा है, सोशल मीडिया पे भी काफी दुष्प्रचार किया जा रहा है, इस पर भी कहीं ना कहीं नकेल कसी जाएगी। सभी को माह रमजान एवं ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं।